इस मार्केट के बारे में आप दो शब्द कहें कुछ जी, जी। कि आप ल्हासा मार्केट, ये हर साल लगता है यहाँ पे? जी, जी। ये ल्हासा मार्केट नहीं है, ये है तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट। अच्छा, तिब्बती है ना, रिफ्यूजी मार्केट। अच्छा, ये जो है सन 82 से लगते आ रहा है इसी ग्राउंड में। 82 से? सन 82 से इसी ग्राउंड में, यानी कि इस साल 40 वर्ष पूरे हो गए। तो गाइस, मैं आया हूँ धनबाद और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं अभी पुराना बाजार में हूँ और यहाँ पर ल्हासा मार्केट भी लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा ल्हासा मार्केट और मैं बताना चाहूँगा कि ल्हासा मार्केट जो है वो ठंड के कपड़ों के लिए फेमस है। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो गाइस, ये है ल्हासा मार्केट, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। और यहाँ पर जैकेट आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। और ये स्पेशली ठंड के लिए लगता है, मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो। और ये रेलवे स्टेशन पास लगता है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को अंदर लेके चल रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, खाली ठंड का कपड़ा मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बच्चों का भी यहाँ पर सामान मिलता है, बच्चों के लिए जैकेट विकेट। बोल रहे अंकल दिखाएंगे, तू बैठो, बैठो। और ये मैं हूँ जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, एना में आप लोग देख सकते हो। हाँ, छोटा छोटा स्टॉल वाला। इसमें आप लोगों को अभी यहाँ के कपड़ों का कुछ रेट बताऊंगा। यहाँ पर जो विक्रेता, उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ और बताने की भी कोशिश करूँगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर विंटर का कपड़ा मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ के दाम में पूछता हूँ। वो जैकेट का कितना है? यस, 1200 का। लेडीज़ का है ना वो? और वो सब उसका ये सब छोटे बच्चे का कितना? 600, 900 ना? क्वालिटी का इसका। और वो क्या लड़कों का है? स्टार्टिंग कितना से है? स्टार्टिंग कितना से है? 1000 से ऊपर। 1600 तक। और ये बच्चों का है ना? ये सब साल कैसे दे रहे हैं आप? स्टॉल पूरा है, अलग अलग। फैंसी का थोड़ा महंगा आएगा। फैंसी का महंगा? अच्छा, 460 ना? ये फैंसी आइटम हो गया ना? नहीं, ये फैंसी नहीं, ये डेली यूज होता है। अच्छा, तो गाइस आप लोग देख सकते हो, काफी खूबसूरत साल मिल रहा है यहाँ पर। और ये कैसे है जी? ये फैंसी है। इसका कितना? इसका है 1100। 1100 इसका ना? अच्छा, तो गाइस देख सकते हो, जैसा कि आप लोग, यहाँ का रेट भी ठीक ही ठाक है। ये सब टोपी सब कैसे है ठंडा का? 100 से स्टार्ट है। स्टार्ट कितना से है? 100 से ही स्टार्ट है। वो सब स्वेटर का कितना है? वो सब स्वेटर का 1100। वो सब का लेडीज़ का है ना? अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस क्या है स्वेटर सबका? 670 ना? ये देखने के बाद ये तो कुछ नहीं। ये सब जैकेट क्या लेडीज़ का है?
जेंट्स का हुडी। कितना हुडी? हाँ जी, इसका क्या पड़ रहा है? 730। 730। 1250। 1250 ना, 1250। ये कौन सा ब्रांड का है? ये हुडी जो है कौन सा ब्रांड का है? 1250 ना। अच्छा, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है और येलो कलर मेरा फेवरेट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तो गाइस मैं बताना चाहूँगा शाम होते होते काफ़ी बिगड़ जाता है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, अभी दोपहर का टाइम है। मम्मी से बात नहीं करना, ठंड के ही कपड़े यहाँ पर मिलते हैं, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये सब कोट कैसे है भाई? उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। तो ये 1650 का है और ये सब ठंड का है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। और यहाँ पर फिक्स रेट का लगा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये वाला जैकेट कितने का है? ये वाला आपका आएगा 1100 का है। 1100? ये कौन सा ब्रांड का है? ब्रांड तो नहीं है, क्वालिटी अच्छा है, हम ही लोग बनाते हैं। अच्छा, आप ही लोग बनाते हैं? मतलब हम लोग ऑर्डर देते हैं तब बनता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो काफ़ी यूनिक जैकेट मुझे लगा ये, और देखने में अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। वो क्या लेडीज का है कि जेंट्स का है? लेडीज का है। अच्छा, वो लेडीज का है ना। तो सर इस मार्केट के बारे में आप दो शब्द कहें कुछ। जी जी। कि आप लासा मार्केट, ये हर साल लगता है यहाँ पे? जी, ये लासा मार्केट नहीं है, ये है तिब्बतन रिफ्यूजी। अच्छा, मार्केट। अच्छा, तिब्बती है ना, रिफ्यूजी मार्केट। अच्छा, ये जो है सन 82 से लगते आ रहा है इसी ग्राउंड में। 82 से? सन 82 से इसी ग्राउंड में, यानी कि इस साल 40 वर्ष पूरे हो गए। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 40 वर्ष पूरे हो गए हैं इस मार्केट को इसी फील्ड में लगते हुए ना सर। जी जी। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आता है कोई हिमाचल से, कोई कर्नाटक से। हिमाचल से? हाँ, अलग अलग जगह से आते हैं। अच्छा, बेसिकली आप लोग कहाँ से आते हैं? वैसे हम लोग है तिब्बती। तिब्बती है आप लोग ना? अच्छा, आप लोग तिब्बत से। मालूम है दलाई लामा के बारे में? तो हम लोग दलाई लामा का। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि तिब्बती है ना आप लोग ना। और हम लोग जो 40 साल से यही इसी ग्राउंड में, जो पुराना बाजार आप लोगों का मस्जिद रोड, अच्छा, इसको बोलता है न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी ग्राउंड, यहीं पर 40 साल से लगते आ रहे हैं। साल इसका पूरा 40 साल हो गया ना। और हम लोग हर साल जो है धनबाद वासियों के लिए वैरायटी, एक से एक बढ़िया वैरायटी, और जितना सामान हो सके अच्छा, और जितना हो सके दाम कम। यानी कि इस मार्केट का खासियत यह है, एक दाम में आपको हर सामान मिलेगा, एक दाम में, मलाई का कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। यानी कि लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं और बेचने वाले को कोई दिक्कत नहीं, और जो जितना भी इधर का वैरायटी मिलेगा एकदम एक नंबर का वैरायटी मिलेगा। हमारा खास मकसद ये है कि धनबाद वासियों के लिए हम लोग बढ़िया से बढ़िया सामान और दाम, उचित दाम, कम दाम, और जितना हो सके उनके पसंद लायक सामान जो है दिलाने के हम लोग हर समय कोशिश यही रहता है। ठीक है सर। और सबसे अच्छा बात क्या है कि धनबाद वासियों का हम लोग बहुत प्यार है और बहुत सहयोग मिला है।
धनबाद वासियों का ना। जी जी जी, आप लोगों को बहुत ही प्यार मिला। धनबाद वासियों की हर वक्त शुक्र गुजार है कि हाँ वो लोग के सहयोग और प्यार से हम लोग। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम लोदिन सिंह है, मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ। अच्छा, इस मार्केट का आप प्रधान हो ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस फील्ड में इस मार्केट को लगते हुए 40 साल हो गए हैं।